एक समय की बात है, एक सुंदर से जंगल में एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा और सीधा साधा सा मगरमच्छ रहता था। तालाब के पास सेब के पेड़ में एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ के लिए लाल लाल मीठे सेब तोड़ता था, और जब सुबह मगरमच्छ उसे मिलने आता तो वो उसे खिला देता था। दोपहर के समय मगरमच्छ बीच तालाब में जाया करता था और वहां से कुछ मोटी मछलियां पकड़कर उन्हें बंदर के लिए लेकर आता था। और बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर घंटों खूब खेलते और बातें करते थे। एक दिन मगरमच्छ तालाब में एक मादा मगरमच्छ से मिला। और दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। जब मगरमच्छ की पत्नी को ये पता चला कि एक बंदर उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त है, उसका लालची मन उस बंदर को खाने के लिए मचल उठा। उस रात सोने से पहले पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? तुम क्यों पूछ रही हो? जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? वो क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानते हो हम औरतें खूबसूरत दिखने के लिए क्या नहीं करती। ओ मेरी रानी, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम तो मुझे बस बहला रहे हो। मैंने ये सुना है, अगर कोई भी बंदर का दिल खाएगा तो वो हमेशा के लिए और भी खूबसूरत हो जाएगा। ओ अच्छा, इसलिए तुम अभी तुरंत जाकर मेरे लिए बंदर का दिल ले आओ। मुझे वो दिल कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारा दोस्त बंदर है ना, जो तालाब के किनारे उस पेड़ पर रहता है। लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। बस करो अब, क्या तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? हम उसे घर पर खाने पे बुलाते हैं और मैं उसे मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाऊंगी। मगरमच्छ ये सब सुनकर उदास और चुप रह गया। सुनिए जी, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने कहा, ठीक है मेरी रानी, मैं कल उस बंदर को अपने घर लाऊंगा। जब दूसरे दिन बंदर मगरमच्छ से मिला तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त? कुछ नहीं, क्या तुम मेरे साथ सैर करने चलोगे? जरूर। थोड़ी देर बाद जब दोनों दोस्त तालाब के बीचों बीच पहुंच गए तो बंदर ने पूछा, हम लोग यहाँ से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं मेरे दोस्त? तुमने बताया था कि दूसरे मगरमच्छ इतने दयावान नहीं होते जितने कि तुम हो, और उनसे मुझे खतरा हो सकता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है उसे तुम्हें खाने दूंगा। वो तुम्हारे दिल को खाकर और भी खूबसूरत हो जाएगी। ओह तो ये बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो सेब के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ मेरे दोस्त। सच में? हाँ, चलो हम वापस जाकर ले आते हैं, और उसे तुम अपनी पत्नी के लिए ले जाना, वो खुश हो जाएगी। सीधा साधा मगरमच्छ वापस मुड़कर पेड़ की तरफ चल पड़ा।
तालाब का किनारा आते ही बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूद गए। तुम बेवकूफ हो जो मेरी बात पर विश्वास किया, और इसलिए भी कि तुमने अपनी पत्नी की कही बात मानी। ये कहकर बंदर जंगल में चला गया। उदास मगरमच्छ देखता रह गया। शिक्षा: सच्ची दोस्ती बहुत कीमती उपहार है।